देखो ये सवाल जो है छकाने वाला सवाल मैं बोलता हूं और लोग अक्सर इसमें गलती करते हैं। एक व्यक्ति 11 चाकू, कितना चाकू है ध्यान देना, 11 चाकू है 100 रुपये में खरीदता है तथा 10 चाकू 110 में बेचता है। तो देखो हर जगह हर कोचिंग क्लास में, हर को नहीं बोलूंगा मैक्सिमम कोचिंग क्लास में, एक का भाव निकालने के लिए बोलता है। अब भैया 100/11 करो, वहां 110 चाकू 110 में है तो एक चाकू कितना होगा, 110/10। ये तो चलो कट के दिख जाता है, एक एक चाकू 11 रुपये में है, लेकिन 11 चाकू अगर 100 रुपये में खरीदता है तो बड़ा मुश्किल है यार, 11 × 99 9 रुपये या कुछ पैसे होंगे। इसे मैं दूसरे तरीके, क्योंकि उसे करते ही आप जैसे ही करते हैं, लेकिन नियम के अनुसार तो वही होना चाहिए। सही पूछो तो मैंने भी वैसे सीखा है, लेकिन अब की जो कंपिटिटिव एग्जाम है उसमें छोटे में करने के लिए तरीका निकाल लेना पड़ता है। तो भैया बोला कि चलो यार गड़बड़ होता है, देख मैं इस तरह के सवाल को मैं इसी तरीके से करता हूँ। बोला कि चल यार तेरा 11 चाकू है, यहाँ पे बोला 10 चाकू है, ठीक है ना, ये तो एक का भाव नहीं निकालते, हम उल्टा करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं, तो यहाँ 11 और 10 क्या होगा, हमने गुणा कर दिया तो बोल दिया कि यार नहीं ना तेरा ना मेरा, ना 11 चाकू ना 10 चाकू, 110 चाकू थे, तो 110 चाकू थे। अब देखो आते हैं, 110 चाकू है मतलब 11 चाकू का 10 गुना 110 होता है ना, तो 11 चाकू अगर 100 रुपये में खरीदता है तो 110 चाकू कितना होगा, 10 गुना में खरीदेगा मतलब 1000 रुपया। कोई चक्कर नहीं, ऐसे ही हो जाता है यार। और 10 चाकू 110 रुपये में है, बेचा है 10 चाकू, और उसे बेचना क्या है, 10 चाकू बेचता है 110 रुपये में, तो 110 चाकू कितने बेचेगा, 11 से गुना कर देंगे ना, 110 को 11 से गुना कर दिए तो 11 11 कितना होता है, 121, तो 1210 हुआ। तो 1210 में वो बेचा, 1000 रुपये में खरीदा, तो प्रॉफिट कितना हुआ यार, 210 रुपये प्रॉफिट हुआ। उसके लिए जेब से कितना पैसा निकाला, 1000 रुपये निकाला। अब देखो 210/1000 ये क्या हो गया दोस्त, ये तो भिन्न हो गया, और इसको प्रतिशत में बोलना है तो हमने 100 से गुणा कर दिया। तो चलो ये सुनना ये सुनना ये सुनना ये सुनना ये सुनना ये सुनना, काट दिया, 21% हुआ। तो मतलब केवल छोटा करने के चक्कर में नहीं, ऐसे भी करना है कि जिसमें मेरे को गुणा भाग कम करना पड़े, जिससे कि गलती होने की संभावना कम हो। आशा करता हूं कि ये समझ चुके हैं, फिर वही बोलूंगा ना, एक लगा लो ना, तो फिर क्या दिमाग के अंदर में सारा चीज चला जाए।